मुजफ्फरपुर जिले के गोला रोड राम भजन बाजार स्थित विनायक सदन में 54वां महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा में झिझिया नृत्य कला प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को झांकी शोभा यात्रा के संयोजक केदारनाथ प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि बाबा गरीबनाथ की बारात में स्वर्णिम कला केंद्र के प्रतिभागियों दीक्षा कुमारी, श्वेता कुमारी, काजल कुमारी, काजोल कुमारी, दिव्या कुमारी, अन्नी कुमारी एवं कोमल कुमारी ने मनोरम प्रस्तुति दी थी। धन्यवाद आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि 54वें झांकी शोभा यात्रा में जिन लोगों का सहयोग रहा है उनको समिति हमेशा से सम्मानित करने का काम करती है। इसी कड़ी में आज झिझिया कला नृत्य कला प्रस्तुति में बहुत सारी बच्चियों ने उसमें अपना सहयोग किया था महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा में। तो चूँकि ये एक लोक कला है जिसको जिंदा रखने के लिए युवा पीढ़ी मेहनत कर रही है, तो उनके मेहनत को धरातल पे दिखाने के लिए हम लोगों ने इस बार उनको सम्मानित करने का संकल्प लिया था, जो आज हम लोगों ने सभी बच्चों को सम्मानित किया है। उनको स्मृति चिन्ह दिया गया है और उनको पत्र देके उनको सम्मानित किया गया है। लोक कला को बचाने के लिए अगर कोई संगठन काम करता है तो उसको एक आम इंसान की का दायित्व तो बनता है, एक संगठन का दायित्व तो बनता है कि उस लोक कला को बचाने वाले संगठन को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। और वही उसी कड़ी में आज हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा से। हर साल सम्मानित करते हैं? हर साल हम लोग चयनित करते हैं सभी लोग, जितने लोग हैं सबका तो सम्मान होता ही है, अलग से कुछ लोग हर साल हम लोग चाहते हैं कि कुछ संस्कृति को बचाने के लिए किया गया काम, कुछ प्रकृति को बचाने के लिए किया गया काम अगर नजर में आता है तो हम लोग उन लोग को अलग से सम्मानित करते हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।